से आते हैं। ये सिंगारी हाई स्कूल है हम लोग का, सिंगारी पोखरिया किशनगंज कोचा धामन ब्लॉक में पड़ता है। ये हम लोग के एरिया में ये नदी है कांतन कही, ये इतना जलाशय हम लोग के स्कूल के बगल में बहती है। और हम लोग इस तरह का किस तरह से जाए, उधर से हम लोग टोटो है, फिर इधर इतना पानी में आए हुए हैं, हम लोग को बहुत डर भी लग रहा है। और बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग के इस थी पे समस्या पे ध्यान दिया जाए। जिस रोड से हम लोग स्कूल आते हैं उस रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है सर, हम लोग कैसे स्कूल जाए? स्कूल में हम लोग का अटेंडेंस 9 बजे के पहले वहाँ बनाना है और 9 बजे तक हम लोग स्कूल पहुँच नहीं पा रहे हैं। बाद में हम लोग का ऑप्शन दिखा गया कि मैडम लोग ऑप्शेंट है, तो हम लोग किस तरह से स्कूल जाए? इतना पानी का तेज बहाव में सर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट झेल के। तो इसलिए गवर्नमेंट से किस समस्या का समाधान किया जाए। यही कहेंगे कि सुबह जैसे आए तो यहाँ से हम लोग अपने घर से आधे दूराने के बाद जब इतना जल स्तर था तो हम लोग लौट के फिर दूसरे रूट से गए, जाते जाते हम लोग को 9:15 बज गया स्कूल में। फिर वैसे भी पानी था, उस रोड पे भी पानी था, किसी तरह समस्या से उझल के गए। फिर आते समय फिर हम लोग सोचे उधर से जाएं, लेकिन उधर भी वैसे ही समस्या थी। फिर हम दोबारा वहाँ से लौट के स्कूल होते हुए फिर दोबारा देखे इस स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करना चाहिए, कुछ तो छूट मिलनी चाहिए जी। हाँ, ये पानी जो है हम लोग का जान बचेगा तभी हम लोग किसी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। जान बचे हम ना शिक्षा देंगे, इसलिए हमने सरकार का रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारे पर थोड़ी विचार करे। Thank you.